और दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे चलते हैं। गहराइयों से बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जिस तरह से देश के मीडिया ने एकजुट होकर भारतीय सेना की वीरता, साहस और उनकी कार्यकुशलता को लोगों के सामने रखा, उसकी सराहना की, इससे न केवल सेना का मनोबल बढ़ा है, देश की जनता में एक उत्साह के वातावरण का संचार भी हुआ है। भारतीय मीडिया ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान या आतंकवाद की और आतंकियों की पनाहगाह है इस बात को एक्सपोज करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। भारत सरकार की कूटनीतिक सफलताओं को भी दुनिया के सामने रखने में मीडिया ने एक हकारात्मक और महत्वपूर्ण रोल निभाया है और भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने में मीडिया ने जो प्रयास किया है उसका पूरी देश की जनता बहुत अच्छे से सराहना करती है। न केवल मनोबल बढ़ाया, जब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कुछ जगह से अनावश्यक सवाल सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में खड़े किए गए, तब खोजी पत्रकारिता करने वाले कुछ पत्रकार मित्रों ने सरहद की उस पार की सच्चाई को भी ढूंढ निकालकर लोगों के सामने रखकर जो भ्रांति फैलाई जा रही थी उस भ्रांति से जनता को मुक्त करने का भी काम किया है और सरहद के उस पार की गतिविधियों को बहुत अच्छे से जनता के सामने रखा है। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन भी करता हूं और बधाई भी देता हूं। और दूसरा मकसद है, वो बड़े दुख और वेदना के साथ मैं आपके माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। एक बहुत बड़ी घटना देश के जवानों के शौर्य, साहस और उनके प्रोफेशनलिज्म को चार चांद लगाने वाली घटना हमारी सेना ने अंजाम देने के बाद कुछ पार्टियों के द्वारा इस सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सवालिया निशान खड़ा करने का प्रयास किया गया। हमने बड़ी सभानतापूर्वक शुरू से इस सेना के साहस को, सेना की सफलता को राजनीति का रंग छू न पाए इसका प्रयास किया था, मगर कुछ पार्टियों ने उस पर सवाल खड़े करना शुरू किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसे सभी प्रयासों की निंदा करता हूं और कहना चाहता हूं कि जो लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने भी ये प्रयास किए हैं, इन्होंने सेना का अपमान किया है, शहीदों का अपमान किया है, सेना की वीरता और बलिदान पर सवालिया निशान लगाया है। सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद बहुत सभानतापूर्वक सरकार ने इसको राजनीति के रंग से दूर रखने का प्रयास किया था, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रक्षा मंत्री ने नहीं ली थी, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के द्वारा ली गई और उनके माध्यम से ही दुनिया के सामने ये बात को रखी गई। फिर भी उस पर ये पूरी घटना को शक के दायरे में लाने वाले बयान दिए गए और मैं मानता हूं ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। किस पे आप सवाल उठा रहे हैं, किसको शंका के दायरे में ला रहे हैं? देश की सेना ने जो वीरतापूर्ण काम किया है उसको आप शंका के दायरे में ला रहे हैं? जो अपने जान को हथेली में लेकर अपने देश की रक्षा के लिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में उतरे, उनको शंका के दायरे में ला रहे हैं? मैं मानता हूं कि ये
बहुत निंदनीय प्रयास है और सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने इससे दूर रहना चाहिए। इसकी शुरुआत आप पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल ने की। उन्होंने सबसे पहले सवाल उठाया कि इसके सबूत देना चाहिए, और केजरीवाल जी के निवेदन के बाद आपने शायद सोशल मीडिया में देखा होगा कल पाकिस्तान में एक ट्रेंड हो गया कि केजरीवाल सपोर्ट पाकिस्तान। ये मेरे पास है, आप लोगों को भी बाद में दिया जाएगा। तो उससे ही मालूम पड़ता है कि इनके प्रयास किसका फायदा करा रहे हैं। और कल छुटपुट घटनाएं और भी हुई अन्य दलों के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, मगर कल कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जब जवानों के खून की दलाली का शब्द प्रयोग किया तब उन्होंने सभी सीमाओं को लांघ दिया है, इंतहा ही कर दी है। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी का इस शब्द प्रयोग इस सेना की वीरता का अपमान है, देश की 125 करोड़ जनता का अपमान है। किस चीज की दलाली की बात कर रहे हैं राहुल जी? सवाल तो हम पूछना चाहते हैं, बॉफोर्ड से लेकर एम्ब्रायर तक किसने दलाली की, कोयले से लेकर 2G तक किसने दलाली की? मैं मानता हूं कि दलाली शब्द आपके जहन में कहीं ना कहीं पड़ा होगा, मगर ये घटना ऐसी नहीं थी जहां पर ये शब्द आपके मुंह से निकलना चाहिए था। आतंकवाद के खिलाफ जब पूरा देश एकजुट होकर लड़ने का मनोबल बना रहा है, एकजुट होकर लड़ने का मूड बना रहा है, सेना अपनी वीरता और साहस से आतंकवाद का सामने करने के लिए जुटी है, तब आपका यह बयान सेना के मनोबल को निर्बल करने वाला है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं कि दलाली तो चीजों की होती है, इसमें आपको क्या दिखाई पड़ा जिसकी दलाली होती? क्या सेना के जवानों का खून कोई दलाली करने की बात है? इसका कोई मोल हो सकता है? इसका कोई मूल्य हो सकता है? राहुल गांधी जी का यह बयान कांग्रेस पार्टी की मानसिकता बताता है। मित्रों, जिन आतंकवादी संगठनों के कैंपों को सेना ने ध्वस्त किया कांग्रेस पार्टी द्वारा जब वो सत्ता में थे, तब उन्हीं के प्रतिनिधियों को निर्दोष बताने की एक बहुत बड़ी कानूनी कवायद भी की गई थी, और उसके एक्सटेंशन में ही उन्होंने सेना के मनोबल को तोड़ने का ये प्रयास किया है। 10 साल तक सेना की के जवानों की, सुरक्षा बलों की जो आवश्यकता है उनकी अनदेखी करते रहे और सिर्फ दलाली करते रहे, और आप जब सेना सभी प्रकार के साधनों से सज्ज है, सभी टेक्नोलॉजी से लैस है और अच्छे मनोबल के साथ जब सामना कर रही है तब आप ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। मित्रों, मैं समझ सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी और विशेषकर श्रीमान राहुल गांधी को मोदी जी के लिए कड़ी आपत्ति हो सकती है, और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। कभी मौत के सौदागर, कभी जहर की खेती, कभी खून की दलाली, ये सारे शब्द प्रयोग करने से आप वास्तविकता को नकार नहीं सकते। मौत के सौदागर कहने के बाद गुजरात में 2/3 बहुमत से भाजपा जीती थी, जहर की खेती करने के बाद पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनी थी, और अब जब आप खून की दलाली का शब्द प्रयोग कर रहे हो, मुझे मालूम नहीं है इसके पीछे आपका मकसद क्या है। मित्रों, पूरा देश, देश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी सभी सेना के जवानों के पीछे खड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जवानों का मनोबल किसी भी हालत में न गिरे। भारत विरोधी नेताओं के जो बयान है वो बयानों में हम भरोसा नहीं करते, हम भारत की सेना की बुलेट पर भरोसा करते हैं, वो देश की सुरक्षा करने के लिए सक्षम है। मित्रों, बीजेपी की सरकार देश में है,
नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में है। अब देश की सीमाओं का कोई अपमान नहीं कर सकता, देश के जवानों का कोई अपमान नहीं कर सकता, देश के जवानों का सर काटकर उसको कोई अपमानित नहीं कर सकता। एक पॉलिटिकल विल पावर के साथ, राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ये सरकार सेना के पीछे खड़ी है और हम सेना के शौर्य को हमेशा सम्मान देते हैं और हम मानते हैं कि सेना जो काम कर रही है इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और कांग्रेस जब हम पर राजनीति करने के आरोप लगा रही है तब मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप 71 की लड़ाई के अखबार खोलकर देख लीजिए आप लोगों ने क्या क्या बोला था। हमारे एक भी बड़े नेता ने इस पर बयान जारी नहीं किया है, एक भी बड़े नेता ने इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास नहीं किया है। कोई तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर कोई एक कार्यकर्ता कुछ बोल गया होगा तो भाई ये तो उनके उत्साह का प्रकटीकरण है और उत्साह केवल हमारे कार्यकर्ताओं में नहीं है, पूरे देश की जनता में है। सवाल तो ये है कि आप में क्यों उत्साह नहीं आता है, आप में क्यों आनंद नहीं होता है, आप क्यों गौरव महसूस नहीं करते हो। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के लिए गर्व महसूस करता है, देश की जनता गर्व महसूस करती है और देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो गर्व महसूस करते हैं उसमें अगर आपको आपत्ति है तो मुझे तो लगता है कहीं मूल में ही खोट है। राहुल जी ने इतने बड़े बड़े मसलों पर बयान देने की जगह आलू की फैक्ट्री पर कंसंट्रेशन करना चाहिए, जिससे उन्होंने जो कहा है वो देश की जनता के सामने है। ये बड़े बड़े मसलों पर उन्होंने बयान नहीं देना चाहिए। देश में नवरात्रि का माहौल है, दीपावली आने वाली है, पूरा देश उत्साह के साथ आज सेना के जवानों के वीरता, सेना के जवानों के साहस और उनके प्रोफेशनलिज्म को सैल्यूट करता है। भारतीय जनता पार्टी भी एक मुस्त होकर सेना के जवानों के साथ खड़ी है और जो लोग सबूत मांगते हैं उनको मैं और कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, उनको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो हड़कंप मचा है उसको ही देखकर आप एनालिसिस कर लेते तो आपको सबूत मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जो हलचल मची है पाकिस्तान के अंदर अगर आप उसका ही एनालिसिस कर लेते तो आपको मालूम पड़ जाता कि क्या हुआ है। मैं फिर से एक बार राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है उसकी भर्त्सना करता हूं, कड़ी निंदा करता हूं और कांग्रेस पार्टी को भी कहता हूं कि इस बयान पर अपना रुख कांग्रेस अध्यक्ष ने स्पष्ट करना चाहिए और ये दलाली शब्द है वो कांग्रेस पार्टी तक ही सीमित रखिए। श्रीमान राहुल जी, दलाली शब्द को हमारे पार्टी पर थोपने का प्रयास न करिए, वो आपको ही मुबारक है। हम तो जय जवान वाले लोग हैं, हम दलाली में विश्वास नहीं करते हैं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री की तारीफ की, दो दिन बाद दलाली शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कि राहुल का ये कंफ्यूजन है या कांग्रेस के कोई डिजाइन है जो इस तरह के बयान दे रहे हैं? मुझे तो लगता है कि कोई डिजाइन नहीं है, इसका परिणाम है। कोई डिजाइन ही नहीं है शायद। बउवा, आप बोलिए। महुआ जी जरूर जरूर जाएंगे, मैं बताता हूं आपको। मैंने पहले ही कह दिया, कोई तहसील अध्यक्ष ने पोस्टर लगा दिया, कोई जिला अध्यक्ष ने लगा दिया, उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से जानी जाती है, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज से जानी जाती है, किसी भी बड़े नेता ने बयान नहीं दिया। और मैं मानता हूं कि हम इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं, मगर इस मुद्दे को लेकर जनता के सामने जरूर जाएंगे क्योंकि सेना की हौसला अफजाई करना हर जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी का दायित्व है। और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी, ये सरकार की जो आतंकवाद के प्रति जीरो
टॉलरेंस की नीति है उसका भी उद्घोषणा होती है, इसका भी परिचय मिलता है। तो आप दोनों चीजों को मिक्सअप मत करिए। अचीवमेंट सेना का है, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। कांग्रेस ने कहा कि उनके टाइम देखिए, ये सर्जिकल स्ट्राइक का दावा हमने नहीं किया है, इसका जनता के सामने इसको रखने का काम सेना ने किया है, और वो सर्जिकल स्ट्राइक को भी नेताओं ने क्लेम नहीं करना चाहिए, सेना ने करना चाहिए। और तीन चार दिनों में उस वक्त के सेना के जनरलों ने कहा है कभी ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में न सिर्फ अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान भी लगातार इसे डिनाई करता रहा है कि कोई इस तरह का कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है। क्या कहेंगे भाई, अगर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ तो किस चीज पर विशेष सेशन बुलाया गया, और कभी महीने में एक आध दिन इस्लामाबाद जाने वाले पाक प्रधानमंत्री क्यों इस्लामाबाद में डेरा डाले हुए हैं? हाँ अमित, नहीं वायदे हमने तो पूरे किए ही है। हमने कहा था वन रैंक वन पेंशन देंगे। 60 साल से जिस समस्या को कांग्रेस पार्टी लटका कर चल रही थी, राहुल गांधी जी की तीन पुश्तों ने लटका कर रखा था, उसको हमने एक ही साल में समाप्त कर दिया, और आज 20 लाख में से 19 लाख 80 हजार जवानों को वन रैंक वन पेंशन का फायदा मिल चुका है। हमने तो हमारे वचनों को निभाया ही है। हमने कहा था भाई हेमराज के सर का अपमान जिस तरह से हुआ भारतीय जनता पार्टी के शासन में कभी नहीं होगा, और हमने ये कर दिखाया है, देश की सेना ने ये कर दिखाया है। अखिलेश जी, कोई जरा भी नहीं करिए, वो वहां से चुने हुए एमपी है उत्तर प्रदेश में, उनका कार्यक्रम था और उनका कार्यक्रम है, और जनता को अगर इसकी रक्षा मंत्री नाते इंफॉर्मेशन देते, मैं नहीं मानता इसमें कोई राजनीतिकरण हुआ है। राजीव, हाँ फिर देखिए भाई, ट्रेडिशन इस तरह से नहीं होते। दशहरा फंक्शन में जाने का ट्रेडिशन है, कहां जाना ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है इतनी बारीकी से नहीं देखना चाहिए, इतना बड़ा देश है, प्रधानमंत्री देश के हर हिस्से में जाने चाहिए। तिवारी जी, और मोदी जी का तो स्वास्थ्य अच्छा है। देखिए, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी की चिंता करना मेरा काम नहीं है। शायद राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो उनको पूछ लेना, कुछ कह ही देंगे आपको। आप मान रही है सफाई को? नहीं, आप ये सफाई को मान रही हैं? नहीं, आप मान रही है वो सफाई को? पूरा देश नहीं मान रहा है मैडम, आप मुझे क्या सवाल कर रही हैं? मारिया, देखिए मैं नहीं मानता कि बिटवीन द लाइन आप नहीं पढ़ पाती होगी, और आप न पढ़ पाए तो ये पाकिस्तान ने पढ़ लिया है, पाकिस्तान की जनता ट्रेंड करा रही है उनको। देखिए यहां लिखा है पाक ट्रेंड विद केजरीवाल।
सुजीत ठाकुर है। अच्छा हाँ पूछिए प्लीज। अमित जी, राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने पहली बार प्रधानमंत्री की तारीफ की कि बहुत अच्छा काम किया, फिर दूसरी बार खून की दलाली की बात कर रहे हैं, तो आप इन दोनों बयान को किस तरह से देखते हैं, किस तरह विश्लेषण करते हैं? मैं राहुल जी के बयानों का विश्लेषण ही कभी नहीं करता। मजुमदार जी, हाँ वो तो कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट करना चाहिए कौन नेता है, वहां आए थे वो है या राहुल जी है, वो तो कांग्रेस पार्टी को आप लोगों ने पूछना चाहिए। नहीं नहीं, मैं यही कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे कि ये बयान राहुल जी का सच है या वहां कहा वो सच है। विनय राय जी, फिर सुजीत ठाकुर। देखिए, मैं मानता हूं कि देश की जनता में जो उत्साह है उसके साथ जुड़ने की जगह पाकिस्तान की निराशा को कांग्रेस पार्टी अभिव्यक्त कर रही है। कांग्रेस पार्टी को चाहिए था कि देश की जनता के उत्साह के साथ, सेना के मनोबल के साथ अपने आप को जोड़ती, मगर वो पाकिस्तान की निराशा के साथ अपने आप को जोड़ रही है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सुजीत ठाकुर जी, देखिए ऐसे मामलों में बयान नहीं करना चाहिए, इसीलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है भैया। मिलिट्री अपना काम करेगी, देश की सेना देश की सुरक्षा करने के लिए सक्षम है, और देश की सरकार और प्रधानमंत्री जी सुरक्षा के लिए कड़े से कड़ा फैसला लेने के लिए सक्षम है, और ये इनका निर्धार है। वो आप ही तय करो ठाकुर। राहुल श्रीवास्तव, फिर विकास भदौरिया जी। एविडेंस किसने मांगे हैं? देखिए, आपने मेरा बयान शायद ठीक से नहीं सुना है। मैंने ये कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक में सेना ने जो वीरता दिखाई है, जो साहस दिखाया है, इसकी हम सराहना करते हैं, और इसको लेके जनता के बीच में जाएंगे जिससे सेना का मनोबल बढ़े। विकास भदौरिया जी। अमित जी, मेरा सवाल है आपसे, आपने बोला कि कहाँ बैठे हो विकास जी? इधर बैठा हूँ सर। आपने कहा कि 71 की लड़ाई के समय आपकी पार्टी के किसी भी नेता ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो देश की सेना का मनोबल गिराए। कांग्रेस ने क्या बयान दिए थे 71 की लड़ाई के वक्त, वो देखने के लिए कहा जी। साथ ही आपने ये भी कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता इस पूरे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आनंद मना रहे हैं। आपको आनंद क्यों नहीं होता समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि आपके मूल में ही खोट है। ये मूल कौन सा है? मूल से मेरा मतलब मूल विचार में खोट है। अच्छा किया आपने पूछ ही लिया, वरना तुम चला देते। रामनारायण श्रीवास्तव जी, कांग्रेस के नेतृत्व के मूल विचार में खोट है, ऐसा मैंने बचा लिया भाई तूने। नहीं, हमने कार्यक्रम को कोई प्लान नहीं किए है, मगर इन जनरल जिस प्रकार का काम सेना ने किया है, आजादी के बाद पहली बार LOC क्रॉस कर
आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड को नष्ट कर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का परिचय देने का काम भारत की सेना ने किया है, उसका समर्थन सबने करना चाहिए, न केवल भारतीय जनता पार्टी। मीडिया ने तो किया ही है, देश की जनता ने भी करना चाहिए, देश के सभी राजनीतिक दलों ने करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन मिश्रा जी, मिश्रा जी आप। देखिए, हमेशा इस तरह की बातों को देश की जनता पसंद नहीं करती है, ये सिद्ध हुई हुई बात है। और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि राहुल जी के इस बयान से सेना का भी मनोबल गिरा है और देश की जनता में गुस्सा भी पैदा हुआ है। मिश्रा जी लास्ट क्वेश्चन, सॉरी हाँ करने दो। नहीं, खतरा नहीं लगता भैया, आप हर चीज को इस तरह के चश्मे से न देखिए। प्रधानमंत्री ने इसलिए किया कि इसको इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी दोनों मानते हैं। पूर्णिमा जी हाँ। पूर्णिमा जी, आप आधा अधूरा पढ़कर आई हैं। अटल जी का वो पूरा सवाल और डिबेट मैंने वर्ड टू वर्ड पढ़ा है। उनका टाइटल है सेना की तैयारियां अधूरी थी, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने संसद को जवाब देना चाहिए। तो सेना नहीं तो हाँ तो सेना वो सेना पर सवाल नहीं है, सेना पर सवाल नहीं है पूर्णिमा जी, सेना को सज्ज रखने की जिम्मेदारी सरकार की है, वो सवाल सरकार पर है। रविंदर जी वो तो सोनिया जी ने कहना है देश को कि वो किसके साथ है। हाँ तिवारी, लास्ट राउंड चल रहा है, वो सेकंड राउंड चल रहा है, सॉरी। नहीं, मैंने कहा जो लोग भी ऐसा प्रयास करते हैं नहीं करना चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं करना चाहिए और किसी ने प्रमुखता से किया भी नहीं। देखिए, हमारा 2014 में जब चुनाव अभियान में उतरे तब हमारा देश की जनता को आश्वासन था कि हम देश की सीमाओं की सुरक्षा में कोई गोताही नहीं बरतेंगे, और इस पर मैं मानता हूँ भाजपा सरकार, एनडीए सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने ठीक तरह से एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए कदम उठाया है। प्रदीप जी, उनकी किसानों की समस्याओं की समझ आलू की फैक्ट्री तक सीमित है भैया, आप ज्यादा गंभीरता से मत लो इस बात को। हाँ अशोक जी, किसने कमिटमेंट किया और तूने कहाँ सुना मुझे मालूम नहीं अशोक यार जरा दिखा देना प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे ना, कई बता दो फूटे हैं। अरे पहले कमिटमेंट था नहीं है, अब तुम तय करो, ऐसी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होती भैया। नहीं, बधाई भाई सीएनएन को और जिन लोगों ने भी ऐसे प्रयास किए हैं,
सच्चाई को बाहर लाने के, इस सबको मैं बधाई देता हूँ। कोई और? हाँ राधिका जी, आप भी पूछिए। हाँ पूछो भैया। पहले राधिका जी को पूछने दो। हाँ राधिका जी, आज विषय पूरा सेना ही है, आप रहने दीजिए ना, बहुत मौके मिलेंगे, बहुत मौके मिलेंगे। राधिका जी टेलीग्राफ तो कुछ भी टाइटल बना देगा, आप क्यों दादरी दादरी करती हैं? कोई और सवाल भाई इससे संबंधित? कोई बात में ये नहीं कि सवाल हम नहीं पूछ पाए। अगर ये सच है तो भारत का विदेश विभाग इसका अनुकूल जवाब देगा। यार फिर से तुम वही पूछ रहे हो। सवाल खत्म हो गए आपके, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों।